नमो इम्पैक्ट इज ब्रॉट टू यू बाय महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी योजनाएं शुरू की हैं और कई सारे नारे दिए हैं। पिछले दो साल में प्रधानमंत्री ने कम से कम 2 दर्जन योजनाओं की घोषणा की। ज़्यादातर योजनाएं आर्थिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने के बाद देश में विकास की गाड़ी तेज स्पीड से दौड़ने लगेगी। लेकिन इन योजनाओं का कितना लाभ लोगों को मिला है और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों का इस बारे में क्या मानना है, अपने कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में हम इन्हीं सब मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज इस सिलसिले में हमने शुरू किया है मेक इन इंडिया पर चर्चा का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया नारे की चर्चा आजकल चारों ओर है। आइए देखते हैं कि क्या है मेक इन इंडिया योजना और क्या है प्रधानमंत्री जी की सोच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेक इन इंडिया अभियान की घोषणा की थी। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए, दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। जिसको 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। इसके जरिए सरकार घरेलू और विदेशी निवेशकों को एक अनुकूल और बेहतर माहौल उपलब्ध करवाना चाहती है, ताकि 125 करोड़ की आबादी वाले भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाकर रोजगार का अवसर पैदा किया जा सके। साथ ही मोदी के इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराना है। 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35। टू इंश्योर दैट आवर यंग गेट प्रॉपर जॉब्स, वी हैव टू एम टू मेक इंडिया द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। द स्किल इंडिया एंड द मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स आर एम्ड एट डूइंग दिस। मध्यावधि की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र में 12-14% प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। मेक इन इंडिया के तहत देश के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग जगत की हिस्सेदारी 2022 तक बढ़ाकर 16-25% करना है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2022 तक 10 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा करना, ग्रामीण और शहरी गरीब लोगों के चौमुखी विकास के लिए उन्हें कार्यकुशल बनाना भी मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। इसके साथ ही घरेलू उत्पादन और मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बढ़ाना, साथ ही भारतीय उद्योग जगत को विश्व स्तरीय बनाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना भी मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद सितंबर 2014 नवंबर 2015 के बीच साल 2014 में रोजगार सृजन अनुमान 57% की गिरावट के साथ 4,53,000 व्यक्त किया गया, लेकिन साल 2015 में यह आंकड़ा तकरीबन 12% की बढ़ोतरी के साथ 50 लाख से कुछ ऊपर पहुंच गया। 2016 की पहली तिमाही में निवेश के आंकड़े भले ही बहुत सकारात्मक ना हो, लेकिन इस अवधि में रोजगार सृजन की दर अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है। नौकरी जॉब स्पीक सूचकांक पिछले महीने 1.609 पर रहा, जो मार्च 2014 की तुलना में 9% ज्यादा है। इस योजना के सफलतापूर्वक लागू होने से भारत में 100 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और लोअर इनकम फैमिली के लिए घर बनाने में मदद मिलेगी। सरकार ने मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके लिए एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस वेब पोर्टल पर इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां हैं। इसके साथ ही सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया है। ग्लोबल बिजनेस लीडर्स को भारत की ओर खींचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेड कारपेट बिछाने की बात कही है। मेक इन इंडिया के खुले इनविटेशन के बाद ज्यादातर बिजनेस टाइकून अब भारत की ओर देखने लगे हैं।
आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही बिजनेस टाइकून से जो अपने पंख फैलाकर भारत के खुले आसमान में उड़ने के लिए तैयार है। गोल्ड और यूरेनियम जैसी कई बेशकीमती खदानों के मालिक राजेश सतीजा उन चंद लोगों की फहरिस्त में शामिल हैं जिन्हें हर बड़ी से बड़ी चुनौती को अवसरों में तब्दील करना बखूबी आता है। कहते हैं हौसले बुलंद हो तो हर बड़ा मुकाम अदना हो जाता है। भारत में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ककहरा सीखने वाले सतीजा आज उस मुकाम पर हैं जहां हर एंटरप्रेन्योर दिन रात पहुंचने का ख्वाब देखता है। कभी खुद एंटरप्रेन्योर रहे सतीजा ने न सिर्फ ख्वाब देखा बल्कि उसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगाया। नन्हे सपनों के साथ भारत से नाइजीरिया पहुंचे सतीजा ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को अपने मंजिल की पहली सीढ़ी बनाया। ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का सिलसिला जब शुरू हुआ तो पड़ाव लोकल कंपनी से लेकर टोयोटा, रोल्स रॉयल, होंडा और निसान जैसे ग्लोबल ब्रांड्स तक पहुंचा। अफ्रीका में सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व के मालिक का ओहदा हासिल करने वाले सतीजा ने कुल 6000 लोगों को रोजगार दे रखा है। इनमें अफ्रीकी मूल के सर्वाधिक लोग हैं। भारत से रिश्ता निभाना भी सतीजा कभी नहीं भूलते। यही वजह है कि 2012 में कनाडा में सेबों की खेती करने वाले ह्यूमन अचीवर्स फाउंडेशन ने उन्हें सम्मान से भी नवाजा था। इसके साथ ही 2014 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब अफ्रीका इंटरनेशनल बिजनेस फोरम के जरिए दिया गया। सतीजा भारत और अफ्रीका के व्यापारिक रिश्तों को लेकर भी काफी संजीदा हैं। इसलिए आज वो अपने विस्तार की नींव भारत में भी रखना चाहते हैं। 49 वर्षीय सतीजा के पास न आज सिर्फ बेशुमार दौलत है बल्कि एग्री बिजनेस में ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी गहरी समझ रखते हैं जो उन्हें दुनिया के टॉप बिजनेस लीडर्स की पहली कतार में खड़ा करती है। रिलेशन काम और प्रॉफिट को सक्सेस मंत्र बनाकर आगे बढ़ने वाले सतीजा के हौसले ग्लोबल मार्केट में इस कदर बुलंद है कि शायद ही कोई जोखिम भरा उद्यम उनके आजमाइश से बचा हो। अब वो भारत में भी अपने इसी पैशन को विस्तार देना चाहते हैं। सतीजा साहब, कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आपका धन्यवाद आप आए। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी सफलता का राज क्या है? आपने बड़े कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। देखिए, सफलता इंसान तो कहता ही है कि कड़ी मेहनत करी, बट इसके साथ आपको अच्छा भाग्य और अच्छी इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। तो मेन तो सफलता वही है। अच्छे कर्म तो चाहिए चाहिए, लगन और मेहनत तो चाहिए चाहिए। आपकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशन की जो आप बात कर रहे हैं। इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। आप जो है हिंदुस्तान से विदेश में गए बिजनेस करने के लिए, आपने नाम कमाया, पैसा कमाया, अब आपको दोबारा इन्विटेशन मिल रहा है कि हिंदुस्तान आए। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मेक इन इंडिया। देखिए, बहुत समय के बाद, मैं नहीं कहता कि कांग्रेस की कोई गलत नीतियाँ थी, बट बहुत समय के बाद एक मन कर रहा है कि इंडिया में वापसी आने का। और हर इंडियन जिसने भी बाहर नाम कमाया उसकी इच्छा होती है कि अपने देश में आके पैसा लगाए, अपने देशवासियों के साथ रहे, क्योंकि हमारी असली रिस्पेक्ट तो यही है। चाहे हम किसी भी विदेश में हम नंबर वन हो जाएं, आज मैं नंबर 10 पे आता हूं, अगर मैं नंबर 1 भी हो जाऊं तो, लेकिन मैं हूं तो नॉन NRI ना। आज की डेट के अंदर इंडिया ही मुझे आना पड़ेगा। पहचान तो हिंदुस्तान से जो मेरी एक जड़ें होती हैं। पेड़ हमेशा जड़ों से कहलाता है, फलों से नहीं कहलाता। मुझे फल वहाँ मिला लेकिन मेरी जड़ें इंडिया में। बहुत खूब। तो उनसे बिछड़ नहीं सकते हैं? जड़ से बिछड़ते ही तो आप बिखर जाओगे। जड़ से कोई पेड़ का अस्तित्व नहीं रहेगा। लगाव लगातार हिंदुस्तान से बिल्कुल है, बना लगाव भी है। इंडिया आने की इच्छा भी है, समाज के लिए करने की बहुत इच्छा है। और अगर चाहता हूँ कि जिस हिसाब से मोदी जी अब, क्योंकि इट इज़ ए ब्लड कैंसर, ये जो मोदी जी कर रहे हैं इसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा, बट आएगा ज़रूर। इट इज़ ए गुड इंटेंशन और आने वाले समय के अंदर ही इंडिया का स्वरूप भी बदलेगा। मोदी जी ने कहा कि रेड टेप भूल जाइए, रेड कारपेट आप लोगों के लिए बिछाए। देखिए, मैं मोदी जी का, हमारे वो प्राइम मिनिस्टर हैं, दिल से उनका एक धन्यवाद करता हूँ कि उनकी इतनी बढ़िया सोच है। लेकिन एज बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव हो NRIs, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा। रेड कारपेट इतना आसान नहीं है। इतने सालों से जो एक ब्यूरोक्रेसी है, जो एक सिस्टम है, वो हम लोग आके यहाँ कंफर्टेबल ही नहीं हो पाते। इतने ऑब्स्टेकल्स आती हैं, इतनी पॉलिसीज़ में चेंज है, इट विल टेक सम टाइम। ये रेड कारपेट कहने की बात है, एक्चुअल फैक्ट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे, देखिए फैक्ट्री कहीं लगानी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, लगेगी तो स्टेट में। सेंटर की पॉलिसी है, स्टेट में तो आज की डेट में स्टेट की अपनी राजनीति है, स्टेट के अपने रूल्स हैं। और इतना आसान नहीं है जितना इसको समझा जा रहा है। इसको अभी टाइम लगेगा और कुछ नीतियों को चेंज करना पड़ेगा। ब्लड कैंसर की तरह ऑपरेशन करना पड़ेगा, NRIs का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा,
फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ये जितना ये मोदी जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर सोच रहे हैं। मतलब आप लोग आना चाहते हैं लेकिन डर कहीं ना कहीं मन में डर है, बिल्कुल डर है। और आज हम आके हमें इतनी प्रॉब्लम सहनी पड़ती हैं। एक एक बोलते हैं कि जी सिंगल विंडो स्कीम, मुझे ये बता दो एक भी स्टेट में कौन सी सिंगल विंडो स्कीम सक्सेसफुल हुई है। सब जगह के ऊपर एक ब्यूरोक्रेसी का लेवल है। अब बिना उसके आज मोदी जी को GST लाने में उनको इतना समय लग गया, तो इंडस्ट्री लगाने में आप सोचो ना, वो स्टेटों को इकट्ठा नहीं कर पाए। आज भी सारी स्टेटें बिखरी हुई हैं, आधी स्टेट मान रही है आधी स्टेट नहीं मान रही है। अभी GST बिल पास होगा फिर 15 स्टेटों की उनको NOC चाहिए, अभी तक वो भी इनके पास नहीं है, वो भी अभी उनकी बातचीत चल रही है। जब प्राइम मिनिस्टर को इतना टाइम लगता है तो हमारे मन में डर क्यों नहीं होगा। मेक इन इंडिया के नारे को 2 साल हो गए, इन 2 साल में कुछ आपको लगा कि कुछ बदलाव आया है थोड़ा सिस्टम में? नहीं, अभी बदलाव देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्लोबल रिसेशन भी है, दूसरी बात हम जिससे बात करते हैं मेक इन इंडिया इज नॉट ईजी जॉब। मेक इन इंडिया के लिए आपको एक पूरी पॉलिसी को चेंज करना होगा। चाइना हमसे बहुत आगे है, आज चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दे हैव द मैक्सिमम शेयर इन द वर्ल्ड। आज हमारी 90% हमारी खुद की आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, उनके लेबर लॉज हो उनके सिस्टम। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी के अंदर इट्स नॉट सो ईजी, और इतनी ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है, अभी इट विल टेक सम मोर टाइम। मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट अभी नहीं, कम से कम इसको 5 साल लगेंगे। जैसे आपने बताया कि प्रधानमंत्री की सोच अच्छी लगती है, इंटेंशन ठीक लगती है। देखिए मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज जो हम लोगों की इमेज थी वर्ल्ड में, देखो उसमें तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज मोदी जी के ही कारण आज इंडिया की एक स्पेस मिला है, अदर इंडिया को कुछ समझते ही कुछ नहीं था। आज लोगों को ये तो दिखने लगा यस, जो मोदी जी ने इमेज बदली है वो हमारे आज तक 60 सालों में 65 सालों में हमारे किसी भी लीडर ने नहीं बना पाया। गांधी के बाद अगर किसी को जाना जाता है तो ये मोदी को ही जाना जाएगा, ये भी पक्की बात है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इमेज जो चेंज हुई है इसके अंदर तो रियली उनको ये क्रेडिट जाता है, उनको क्रेडिट जाता है। आपने बताया कि जैसे आप NRIs को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो दूसरे NRIs हैं उनका क्या सोचना है इन तमाम पॉलिसीज को लेके, खासतौर से सब हर आदमी अभी डरा हुआ है, हर आदमी सोच रहा है कि लेट कहते हैं ना बिल्ली की गली में सबसे पहले घंटी कौन बांधे। हर आदमी देखना चाहता है कि पहले कौन जाता है। अभी ब्यूरोक्रेसी के अंदर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, इट इज़ नॉट इजी जॉब टू चेंज, अभी इट विल टेक ए मोर टाइम। मतलब अभी जो है ये माना जाए कि ये केवल कहने में एक स्कीम है, ये बोलने में है, ये कहने और बोलने में है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में अभी इट विल टेक बहुत समय लगेगा। उसके लिए इनको बहुत सारी सर्जरी करनी पड़ेगी, बहुत सारे नियम को बदलाव करना पड़ेगा, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस। अभी तो देखिए आज हम मोदी जी की किस्मत कहें, इंडिया की किस्मत कहें, ऑयल आज मिनिमम लेवल पे है, गोल्ड एक मिनिमम लेवल पे है, तो भी हम 68 डॉलर्स के ऊपर हैं हम लोग। अगर ये दोनों बढ़ गए, जो इन्वेस्टर एक पैसा लेके आएगा, अगर ये डॉलर 100 रुपये चला जाता है, उसने तो ज़िंदगी में कुछ कमाया ही नहीं, अपना पैसा ही गवाएगा। हैजिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। आज की डेट के अंदर हम लोगों ने जितने NRIs थे, जब 2006 का बूम था, 5 का बूम था, हम लोग जो पैसे लेके इंडिया में आए, 40 रुपये डॉलर, 38 रुपये डॉलर, 68 रुपये, आज हम अगर यहाँ से एग्जिट करते हैं तो 68 रुपीज़ डॉलर है, हमने क्या कमा लिया? आधी रकम रह गई। तो अभी इट विल टेक ए मोर टाइम, एक रुपीज़ को स्टेबलाइज करना पड़ेगा, लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल देना पड़ेगा। और जो हमने एक अपने रुपीज़ को शेयर मार्केट के साथ जोड़ा हुआ है उसके साथ फ्लक्चुएट होता है, इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो रुपए के जो फ्लक्चुएशन है इसमें इसको रोकना पड़ेगा। इसको नहीं रोकेंगे हर आदमी डर के रहेगा, हैजिंग कॉस्ट कोई दे नहीं सकता, हैजिंग कॉस्ट इज टू मच। आज कोई भी आदमी आता है, ठीक है थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन है, हर आदमी को मालूम होता है क्या होना है, बट अगर इनको रियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, दे हैव टू मेक श्योर कि जो हम पैसा बाहर से आ रहा है दैट मनी शुड बी सेफ। लेकिन बीच में ये बात आई थी कि पैसा जो रुपए का रेट है वो अपने नेचुरल उस पर आना चाहिए, 70 रुपये भी ये हो सकता है, इस तरह की बातें भी सुनने में आई थी कि डिवेल्यूएशन जो है वो जरूरी है कहीं ना कहीं, और इसको होने दिया जाए जो रेट चल रहे हैं इसके। देखिए ये एक पॉलिसीज हैं, आज इन्फ्लेशन के हिसाब से होना चाहिए, इन्फ्लेशन इज टू हाई। बात यह है कि लेकिन उस चीज़ को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ये कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी? इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल तो देना पड़ेगा ना। आज ये तो चले गोल्ड, हमारा जो मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गोल्ड में और पेट्रोल में, ये तो बहुत जीरो, ये तो नीचे लेवल के ऊपर है दोनों के दोनों।
दोनों का लेवल डाउन है। जब ये लेवल बढ़ेगा फिर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है, अभी जैसे गोल्ड के रेट बढ़ने शुरू हो गए यूरोपीय यूनियन से, जब देखिए आने वाले टाइम के अंदर ब्रिटेन का ये तय है गोल्ड $3,000 से $4,000 तक जाएगा। वर्ल्ड के अंदर चेंजेस आएंगे, आज यूके हटा, कल को फ्रांस हटेगा, कल को जर्मनी हटेगा, कल को अदर कंट्रीज में आएंगे, ये तो होना ही है। ये चेंजेस ही गोल्ड को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि गोल्ड द पीपल सी गुड इन्वेस्टमेंट गोल्ड, ये तो होना ही है। पेट्रोल भी ऊपर जाएगा, आज चलो डाउन में है, ये भी ऊपर जाएगा। तो फिर क्या हल है इसका, क्या हल देखते हैं? हल यही है कि इंडिया शुड हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट इन ऑयल सेक्टर, गोल्ड सेक्टर इन अब्रॉड। ये अपने रिजर्व्स को बढ़ाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को वहाँ लगाएं, इंस्टेड ऑफ सम अदर इन्वेस्टमेंट दे शुड गो फॉर द। ये दो चीज़ें देखिए, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट में बोला लोगों को गोल्ड का मोह छोड़ देना चाहिए। आज मैं मनमोहन सिंह जी से क्वेश्चन पूछता हूँ इस चैनल के माध्यम से, मुझे ये बता दें उनके घर में उनकी बेटी का फंक्शन हो, बिना गोल्ड के फंक्शन कर देंगे? अगर वो कर सकते हैं तो सारे मान जाएंगे। आज इस हिंदुस्तान में एक ड्राइवर भी अपनी बेटी की शादी करता है ना, एक सर्वेंट भी करता है, वो भी चाहता है कि मैं कम से कम चाहे 1 तोला 2 तोला सोना दे दूँ। बहुत गंभीर और बड़ा सवाल है जी। साउथ के अंदर जो ये इससे ना हम लोगों की कुछ मान्यताएं जुड़ी हैं, कुछ हमारे इमोशन जुड़े हैं, मतलब प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ऐसी ऐसी परियोजनाएं बनाना, ऐसी स्कीम बनाना वो पार्लियामेंट में, मैं तो मनमोहन सिंह से पूछता था, यू आर इकोनॉमिस्ट, हाउ यू कैन से एंड स्टैंड ऑन द पार्लियामेंट कि लोगों को गोल्ड का मोह छोड़ देना चाहिए? आप गोल्ड की रिजर्व्स बढ़ाओ, गोल्ड की माइनिंग्स लो, गोल्ड का देखिए आई हैव द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड, मेरा मोह भी गोल्ड की तरफ है ना। आज चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये 4 कंट्रीज ऐसी हैं जो माइंस के अंदर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं। हम लोगों की इन्वेस्टमेंट बताइए कहाँ पे है? $1 बिलियन भी नहीं है। वी शुड गो फॉर द रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व्स, वी शुड एक्वायर द असेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो चीज़ का मोह छोड़ने से बेटर यही है कि आप पॉलिसीज वो बनाओ कि हमारे पास गोल्ड अपना हो, तो ऑयल अपना भारत हो। को माइंस लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, भारत को माइंस लेनी चाहिए, तेल के कुएं लेने चाहिए। ONG शुड गो फॉर एक्सपेंशन, हमारे पास बहुत अच्छी सी एजेंसीज हैं, दे हैव वेरी गुड टेक्निकल टीम्स, और यहाँ हिंदुस्तान का आपने सारा केजन बेसी आपने सब प्राइवेटाइज कर दिया। हम अपनी गैस डॉलर में खरीदते हैं, हिंदुस्तान की गैस आप डॉलर में ले रहे हो, डॉलर में उसका प्राइस फिक्स होता है। बाजार को बाजार की तरीके से बाजार को आपका आपके कहने का मतलब ये है खुले दिमाग से सोचना चाहिए सरकार को भी। हिंदुस्तान में जो बाजारीकरण कर रही है वो देखिए, मैं कोई किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, बात यह है कि आज जो हमारी पॉलिसीज हुई चाहे वो ठीक हुई गलत हुई उसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट तो ठीक नहीं है ना, एंड रिजल्ट्स गिव यू द एंड, कि आपका कहते हैं एंड ही बताता है कि ये काम शुभ मुहूर्त में हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ। आज एंड किस एंड पे खड़े हैं हम लोग? आर वी इन अ गुड पोजिशन? आर वी हैविंग ए गुड फॉरेक्स रिजर्व? हमारे पास है क्या? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वी हैव ए गुड टीम, हमारे इंडियंस को तो बिना सपोर्ट के यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर यही मुझे, मैं चाइनीज़ होता, आज मुझे चाइना गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट कर रही होती कि मैं आज, मेरे पास अगर 100 माइंस है, मेरे पास 500 माइंस होती, एज बीइंग इंडियन मुझे सरकार से एक बताओ क्या फेवर मिला? हम अपने ही दम पे खड़े हुए हैं और फिर भी हम इंडिया से प्यार है, फिर भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आएँ, यहाँ पर पैसा लगाएं, यहाँ के काम करें। देखिए जो भी हैं, आपकी रूट्स तो इंडिया की है ना, बिल्कुल ठीक, और जितने NRIs हैं, मैं एक बात बोलता हूँ, जितने NRIs आर ऑल द वर्ल्ड हैं, आप किसी ना किसी को देख लेना, दे मस्ट बी एसोसिएट विद द इंडिया। अगर सब लोगों को ठीक तरीके से इन योजनाओं को लागू किया जाए तो आपको क्या लगता है कितना आ सकती है? देखिए अगर सरकार की विल पावर हो जी, ब्लैक मनी को कंट्रोल कर लें, जो कि अभी मोदी जी के एक दो दिन पहले स्टेटमेंट दिया उन्होंने भाई सेप्टेम्बर तक का, एंड आई अप्रिशिएट एंड आई वॉन्ट टू सी एक्शन ऑल्सो, उसके ऊपर जो काम भी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि बातें करते करते 2 साल हो गए, दे शुड गो फॉर दैट। आज अगर ये पॉलिसीज अगर ठीक होती हैं, मैं नहीं समझता कि आप विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स यू बी एबल टू रिटेन योर पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपका देखिए इमेज तो सुधर गई, ये तो तय है, आज जो मोदी जी ने बढ़िया काम किया इमेज सुधरी है, आई अप्रिशिएट, बट वो इमेज एक लेवल है। बहुत सारे इशूज हैं, आपसे हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। राजेश राम सतीजा जी जो एशिया के 10 सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोगों में शुमार हैं, हमारे साथ आज नमो इम्पैक्ट कार्यक्रम में मेक इन इंडिया पर चर्चा कर रहे हैं, और ब्रेक के बाद इनसे चर्चा जारी रहेगी।
दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, ऑनर्ड बाय CCI Technology Education Excellence Award. Programs offered: 4 years BTech courses, 2 years MTech course, PhD in engineering, LEET for diploma holders, placement in top MNCs. Please visit www.mau.ac.in. ब्रेक के बाद कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, और हमारे साथ हैं राजेश राम सतीजा जी, जो एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, NRI हैं और हिंदुस्तान में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये बताइए सतीजा साहब, 100% FDI बहुत सारी चीज़ों में सरकार ने अलाउ किया है। देखिए 100% FDI अभी सभी सेक्टर्स के अंदर अलाउड नहीं है, बट इन मैनी केसेज सम स्पेशलाइज सेक्टर दे हैव अलाउड इट एंड आई वेलकम द पॉलिसी। बात यह है कि इस FDI को आने से अभी इन्वेस्टर्स को पहले कॉन्फिडेंस चाहिए कि माई मनी सेफ, डॉलर से सेफ हूँ, फ्लक्चुएशन से सेफ हूँ और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी से सेफ हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी हिंदुस्तान का एक चैलेंज है, रोटी कपड़ा और मकान। अब हमने इतनी इन्फ्लेशन कर करके 20 लाख रुपये एकड़ की एग्रीकल्चर लैंड कर दी, क्या एक किसान उसे 20,000 रुपये साल का तो कमाता नहीं? कहते हैं फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। अरे भैया बस 20 लाख रुपये एकड़ की ज़मीन है, आड़ती उससे ब्याज पे पैसा उठाएगा, ब्याज दे नहीं पाएगा, जमीनें जाएंगी। अब हालात देखिए देश का, हम कहाँ जा रहे हैं। एज NRI इसी बात का डर आपको है? डर है। अब आने वाले टाइम में अनाज कौन, एक बात बताइए, आज 1 करोड़ पे एकड़ की लैंड है इस NCR के अंदर, 1 करोड़ पे एकड़ की लैंड के अंदर हम अनाज बोएं या बिल्डिंग बनाएं? चलिए अगर आपको इन्वेस्ट करना हो हिंदुस्तान में, देखिए मैं एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, देखिए आने वाले टाइम की सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक पानी और एक एग्रीकल्चर। क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत सारी चेंजेस आएंगी। मेरी एक दिल की इच्छा है, जो मैं इंडिया में एक कोल्ड चेन लाना चाह रहा था और शुरुआत भी करी है, कि हम एग्री प्रोड्यूस को, हम एग्रीकल्चर, देखिए हमारा सबसे बड़ा GDP क्या है, वी आर एग्रीकल्चरलिस्ट। हम आज से नहीं है, सदियों से हैं, लेकिन हमने अपनी पूरी की पूरी एग्रीकल्चर को समाप्त कर दी है। 1 करोड़ रुपये एकड़ की लैंड कर दी है, कौन कौन करेगा? अब मेरे पास आया है लैंड बैंक, जो मैं बेचूं तो मेरा 2 करोड़ रुपये एकड़ पर एकड़ बिकती है। मैं अगर उस पर एग्रीकल्चर करता हूं तो मुझे 10,000 रुपये महीना नहीं आता। आप अंदाज़ा लगाइए, इतनी इन्फ्लेशन है, चेंज ऑफ क्लाइमेट है। ठीक है फार्मर्स की इंश्योरेंस शुरू हुई है, सब कुछ है, आई हैव इन्वेस्टेड सम। मैंने अभी सेब के बाग मैंने कनाडा में लिए, जो कि मैं नॉर्थ इंडिया में इधर लगाना चाह रहा था, बट यहाँ की पॉलिसीज़ क्लियर नहीं है। मैं एज नॉन हिमाचल मैं जगह नहीं ले सकता, मैं नई ब्रीड नहीं लगा सकता, मैं जगह ही मेरी नहीं होगी। हिमाचल में नहीं ले सकते, उत्तराखंड में ले सकते, जम्मू कश्मीर में ले सकते, जहाँ पे मेन है। आज मुझे ये बताएं, सब पुराने पेड़ लगे हुए हैं, नई ब्रीड आए, पर एकड़ के अंदर 1,000 ट्री लगाए हैं मैंने कनाडा में, 2,000 ट्री तक लग सकते हैं। यहाँ 100 पेड़ लगे हुए हैं, पुराने पेड़ लगे हुए हैं, ज़्यादा बम्पर क्रॉप, अच्छा बम्पर क्रॉप होनी चाहिए। सारा सेब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वाशिंगटन से, सारे फ्रूट्स इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब दालें तक इम्पोर्ट होनी शुरू हो गई। आपका इम्पोर्ट का व्हाट, हम किस दिशा में जा रहे हैं? खाना, हम लोगों की 1.2 बिलियन के ऊपर हम लोग बैठे हैं, हमें खाना सफिशिएंट चाहिए और इसको एक्सपोर्ट कर सकें। GDP का मेन जो हिस्सा है, मेक इन इंडिया इज गुड, आई लव इट, वो मेक इन इंडिया है, आई वांट टू प्रोड्यूस इन इंडिया, मुझे प्रोड्यूस कृषि प्रधान देश, ये हम लोगों बचपन से पढ़ते आए हैं। यस, इसको स्टोरेज फैसिलिटीज, इसके अंदर इसकी एग्रीकल्चर इनकम, इट शुड बी द मोर, ये GDP का कम से कम 3-4% नहीं, ये कम से कम 6-7% होनी चाहिए। फार्मर शुड बी हैप्पी, उनके चेहरे पे ग्लो दिखना चाहिए, ग्लो। इस दिशा में भी सरकार का ध्यान तो है, प्रधानमंत्री अन्नदाता, अन्नदाता को प्रणाम, प्रधानमंत्री ने प्रणाम, प्रणाम करने से क्या होता है, लोग कहते हैं बुजुर्गों को प्रणाम करते हैं, लेकिन आप देखिए कितने केसेस होते हैं। बात यह है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को ना बेसिक ग्राउंड पे आइए आप। आज जमीन किसी के पास पहले 100 एकड़ होती थी, बच्चों में डिवाइड होते 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 किसी के पास 1 बीघा, किसी के पास 5 बीघा, किसी के पास 2 एकड़, पर 10 एकड़। फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर लैंड चंक डिवाइड हो चुका है,
छोटे लैंड चंक के ऊपर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इनकम जस्टिफाई नहीं होती। बड़े एकड़ लैंड के अंदर महंगे इतनी लैंड अंदर इफ़ आई वांट टू मिलती नहीं है हम लोगों लैंड बैंक करना मुश्किल है। मुश्किल है, सब कुछ ऐसी जड़ बनाते चले गए, 5,000 acres ऐसी जड़ में चली गई, सब बंद पड़े हैं, नथिंग इज मूविंग। हम अपने अन्न को भी ख़त्म कर दिया। लेकिन ये तो पुरानी, अब देखिए हो चुकी हैं, उसको सुधारेंगे कैसे आप? और जो लैंड 1 crore की है उसको 10 lakh में कैसे लाएंगे? एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी मोर देन 2 lakh rupees पर एकड़। फिर देखिए कैसे प्रोड्यूस होता है। हम लोगों को कृषि प्रधान ही बनाना है। जिस दिन ये बन गया, मैं आपको इंडिया का शक्ल एकदम शक्ल चेंज हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, मेक इन इंडिया को या प्रधानमंत्री के सिनारे को या सोच को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे 10 में से? अगर आपसे बात करें, मेरे वो प्राइम मिनिस्टर हैं और मैं प्राइम मिनिस्टर की जो भी सोच है बॉस इज़ ऑलवेज राइट। मैं कभी अपने PM को कभी कंडेम नहीं करूँगा, उनकी किसी भी पॉलिसीज़ को मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है। बहुत सही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को जब तक हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो और कौन देगा? इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट हिम, वट एवर ही इज सेइंग, हिज पॉलिसी इज़ वेरी गुड, बट ही शुड, एक सजेशन, एक एज ए बिजनेस मैन और एज ए इंडियन आई वॉन्ट टू गिव सजेशन टू माई PM। मैं बिल्कुल, मैं सजेशन आपसे एक या दो तीन चार दीजिएगा आप उसमें। सजेशन में मेक इन इंडिया के बजाय प्रोड्यूस इन इंडिया एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बढ़ाएं। दूसरी चीज़, मेक इन इंडिया को आज की डेट के अंदर कंज्यूमर बेस होना चाहिए। अभी हम कंज्यूमर बेस नहीं हो पा रहे, हमारी कंजम्पशन तो बहुत है। अब जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं उसे 10 times सस्ता तो चाइना में मिल जाता है। यहाँ की पॉलिसी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, इट शुड बी कंट्रोल्ड। ये इनडायरेक्ट मैसेज है, कुछ चीज़ें मैं चाहते हुए भी नहीं बता पाऊँगा। नहीं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में आपने कहा था कि पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसीज क्या आपको लगता है कि जो मेजर पॉलिसी चेंज होनी चाहिए? मैंने आपको क्या बोला, एज ए PM मैं उनको कहनी, बिकॉज वो हमारे प्रधानमंत्री, अगर हम सुझाव की बात देखिए, सुझाव कि हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक और प्रधानमंत्री आज की डेट के अंदर, मैंने आपको हिंट दी है, ब्यूरोक्रेसी, इंस्पेक्टर राज खत्म करना पड़ेगा, स्ट्रेट रेड कार्पेट देना है। आज मैं इंडस्ट्री लगाना चाहूँ तो 24 घंटे के अंदर मेरे हाथ में पेपर होना चाहिए, मैं क्यों नहीं लगाऊंगा? मुझे अगर 24 घंटे के अंदर सारी परमिशन मिलती हैं, दे शुड आइडेंटिफाई द जोन्स, यहाँ ये फैक्ट्री लगेगी, यहाँ ये लगेगी, ये लगेगी, सब कुछ रीजनल, स्टेट्स का अलग है, सेंटर अलग है, सेंटर की पॉल्यूशन बोर्ड अलग है, स्टेट का अलग है, एक पॉलिसी से दूसरी पॉलिसी, कुछ फाइलें सेंटर से क्लियर होती हैं, कुछ फाइलें स्टेट से क्लियर होती हैं, तालमेल की कमी है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। एक ब्यूरोक्रेसी को 24 घंटे के अंदर फाइल क्लियर करनी ही पड़ेगी, ये पॉलिसीज होनी चाहिए, जिसने नहीं करी ये शुड बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। आप हिंदुस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं? बिल्कुल लगाना चाहते हैं, हमारे सारे NRI तो क्या हम मान के चलें कि कब तक आप शुरुआत करेंगे? देखिए, और क्योंकि जो व्यवस्था बदलने में निश्चित तौर पर देखिए व्यवस्था जब तक एक इजी, देखिए आप एनर्जी का फ्लो देखिए, एनर्जी क्या है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे पानी है, चाहे साउंड है, वो एक जगह से दूसरी जगह जहाँ उसको कम्फर्ट लेवल मिलता है वो वहाँ जाती है। पानी का लेवल है ऊपर से नीचे आएगा, एक कंफर्ट उसको चाहिए, पानी अब छत पे जमा हो जाए उसको जहाँ इजी स्पेस मिलता है वहाँ से लीक हो जाता है। हम लोगों को इजी स्पेस चाहिए, जिस दिन इजी स्पेस मिला नहीं हम हाजिर हैं, वी आर ऑलवेज हियर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमो इंपैक्ट कार्यक्रम में आने के लिए और आपके सुझावों के लिए। ये थे राजेश राम सतिया जी, जो एक जाने माने बिजनेसमैन है, ब्रिटेन बेस्ड हैं और एशिया के 10 बड़े कारोबारियों में इनका नाम आता है। इन्होंने साफ कहा कि हिंदुस्तान से उनका जुड़ाव है, लगाव है, सारे NRI हिंदुस्तान में पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन चाहिए तो सिर्फ एक साफ सुथरा वातावरण, एक डर रहित माहौल और एक सरकार की तरफ से बिल्कुल ग्रीन सिग्नल। उसके लिए सरकार की मंशा बेशक ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है वो ठीक है, लेकिन उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है इस तरफ भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा। और हम चाहेंगे कि PMO और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सुझावों को सुने और उन पर गौर करें। अगले हफ्ते हम आपके सामने एक नई योजना के साथ, नए गेस्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।